मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य धीरज बलूनी डिवाइन कोश में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले जो नववर्ष 2021 है उसकी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके घर में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, मां लक्ष्मी का आपको कृपा आशीर्वाद मिले, इस प्रकार की कामना से। आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि हम इस कड़ी में राशिफल से संबंधित जानकारी दे रहे हैं और अब हम जानकारी दे रहे हैं आपको वृश्चिक राशिफल 2021। इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। साल के शुरुआती महीनों में आपको इसके संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। निवेश से अच्छा पैसा आपको मिलेगा, लेकिन आपकी मई के महीने में आर्थिक स्थिति कुछ कमज़ोर रहेगी। इस दौरान शेयर बाज़ार में भी किसी तरह का निवेश करने से बचें। कहीं से आर्थिक मदद मिल सकती है आपको, या फिर पैतृक संपत्ति का लाभ मिलने की संभावनाएँ हैं जो आपके वित्तीय जो कंडीशन है उसको पहले की अपेक्षा मजबूत बनाएंगे। व्यापार में निवेश करने के लिए यह सबसे उत्तम समय रहेगा। आपको विदेश से भी कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया कार्य मिलने की उम्मीद हो रही है। अगर पैसे की आवश्यकता हो तो मई तक कर्ज ले सकते हैं, तभी आगे कर्ज उतारने के लिए आप सक्षम हो पाएंगे। साल के मध्य में कर्ज लेने से बचें, क्योंकि वक्री ग्रह कर्ज के लेन देन में रुकावट ला सकते हैं। मई माह से आपको नौकरी के प्रति बहुत ही सावधान रहना होगा। अच्छी भली नौकरी हाथ से जा सकती है। अक्टूबर तक कोई नई नौकरी की कोशिश ना करें, धोखा हो सकता है। वहीं अगर इस वर्ष वृश्चिक राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें तो यह सामान्य रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच हर एक मुद्दे पर वार्तालाप होगा। माता पिता का सहयोग आपके ऊपर इस वर्ष बना रहेगा। अगर आपको आर्थिक मदद की आवश्यकता होगी तो वह भी पूरी करने की कोशिश करेंगे। परिवार के सदस्यों के बीच पहले के मुकाबले बेहतर संबंध होंगे। घर पर समय समय धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहेगा। वैवाहिक लोगों के लिए वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन आपस में एक दूसरे से अधिक उम्मीद न रखें। वर्ष के मध्य में किसी तीसरे की वजह से आपस में तनाव हो सकता है, जिस वजह से परिवार में सुकून नहीं रहेगा। इस वर्ष आपको अपनी सेहत का अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। वर्ष के अंत में दुर्घटना का संयोग बनता है, ऐसे में हर तरफ से सतर्क और बहुत ही सावधानी से वाहन चलाएं। अब बात करेंगे धनुराशिफल 2021। धनु राशि के जातकों के लिए वित्तीय मामलों में धन अर्जित करने के लिए पूरे वर्ष कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कामयाबी प्राप्त होगी। कहीं भी धन निवेश करने से पहले कई बार सोच विचार कर निर्णय लें। परिवार में खर्च अधिक बढ़ने से मानसिक तनाव बना रहेगा। बेवजह के निवेश से सावधान रहें। आपको साल के अंत महीनों में अचानक धन लाभ की प्राप्ति होगी। इस वर्ष आपकी मेहनत लगन काम में दिखाई देगी, जिससे आपके व्यापार में लाभ के साथ साथ आय की भी बढ़ोतरी के संकेत हैं। धनु राशि वालों को बेवजह छोटी छोटी यात्राओं से बचना होगा, नहीं तो तनाव के साथ खर्चे भी अधिक होंगे। नौकरी करने वाले साल की शुरुआत में अपने बॉस को कुछ कर दिखाने में कामयाब होंगे, जिससे आपका सीनियर आपके प्रमोशन की बात करेगा, आपका प्रमोशन होगा। जो जातक इस वर्ष सरकारी नौकरी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी यह इच्छा भी इस वर्ष पूरी अवश्य होगी। इस वर्ष धनुराशि के लिए पारिवारिक जीवन की चर्चा की जाए तो साल 2021 परिवार के लिए शुरुआत में कुछ अच्छे संकेत नहीं दिख रहे हैं। लड़ाई झगड़े के बढ़ने की संभावना है, लेकिन सभी सदस्य आपस में बैठकर बातचीत द्वारा समस्या का हल निकाल लेंगे। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, परिवार वालों में रिश्तों को लेकर मिठास आती रहेगी। पुराने गिले शिकवे दूर करेंगे। वर्ष के अंत में सभी मिलकर कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं। यदि आप अकेले हैं तो जुलाई माह के आसपास आपके जीवन में कोई खास व्यक्ति आएगा। हो सकता है वह आपके कार्यस्थल से जुड़ा हो, जिससे आपको लगाव होने लगेगा। अगर ऐसा हो तो आप शीघ्र ही प्रेम का इजहार कर लें, उनसे शादी कर लेना। वैवाहिक लोगों के बीच इस वर्ष आप दोनों के बीच में तनाव हो सकता है, जिसकी वजह से सिर्फ गलतफहमी हो सकती है। सेहत के नज़रिए से अगर हम देखें धनुराशि के बारे में, तो यह वर्ष अच्छा बीतने जा रहा है। आपका स्वास्थ्य इस वर्ष बेहतर दिख रहा है, पुरानी बीमारी से भी निजात मिलेगी। मित्रों, हमने आज आपको इस कड़ी में वृश्चिक राशि और धनुराशि के संबंध में जानकारी दी।
यह जानकारी आपको कैसे लगी, इसके लिए हमारा आपसे छोटा सा निवेदन है, हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप वेबसाइट के माध्यम से या फ़ोन नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।